हेलो व्यूअर्स, गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो जैसे कि साथियों आपको पता ही है, मेरे चैनल पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। तो उसी क्रमवार साथियों, आज बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूँ सभी आईटीआई के छात्रों के लिए जिनका अभी हाल ही में एग्जाम होना है, खासकर जो सेकेंड ईयर के या वन ईयर के बच्चे हैं या जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। डीएसटी की अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के भ्याप पर डीएसटी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है सभी छात्रों के हित में, और इतना बड़ा फैसला है कि साथियों आपको जब मैं बताऊंगा तो आपके लिए जो है काफी प्रसन्न होंगे आप इस खुशखबरी को देखकर। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए साथियों, और आपसे हर वीडियो में मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि प्लीज साथियों, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। अगर प्रत्येक बच्चा अपने एक दोस्त को भी जो है मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब कराएगा तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि साथियों देखा होगा आपने कि चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो प्लीज प्लीज सपोर्ट करें, जितने मैक्सिमम हो सके अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कराएं मेरे चैनल के साथ, ताकि सभी छात्र सही वस्तु जानकारी लेटेस्ट अपडेट जो है मेरे चैनल के थ्रू प्राप्त कर सके। तो डीएसटी ने जो है बड़ी अपडेट जारी की है, तो सबसे पहले आप ये न्यूज मेरे चैनल पर देख पाएंगे। तो साथियों जो लेटर जारी किया है वो ये है, देख सकते हैं 22 नवंबर 2021 कल शाम को ही डीएसटी ने ये लेटर जारी किया गया है सभी राज्यों के जो है स्टेट डायरेक्टरेट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी जो है रीजनल डायरेक्टर को। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट में यहाँ पर लिखा गया कि अटेंडेंस रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग एलिजिबल फॉर टेकिंग अप AITT 2021 शेड्यूल फ्रॉम इन दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक। तो जितने भी जो छात्र जिनका अभी दिसंबर में जो एग्जामिनेशन घोषित किया गया है, 13 दिसंबर से जो एग्जामिनेशन होने हैं, और आगे आपके जो है 20 दिसंबर के बाद CVT होंगे जो कि जनवरी में पूरे माह में चलने वाले हैं, तो उसमें जो है आपके अटेंडेंस के लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। काफी अच्छी जो है डिस्ट ने यहाँ पर बोला है कि अभी कंसल्टेशन लिया गया था ऑल इंडिया ट्रस्ट के लिए 8 नवंबर 2021 को सभी स्टेट डायरेक्टरेट की जो मीटिंग हुई थी डीएसटी के साथ, तो उन सभी में जो है इस ये मुद्दा जो है उठाया गया था आपके अटेंडेंस को लेकर कि इस बार अटेंडेंस, क्योंकि COVID-19 के कारण पढ़ाई जो है आपकी पूरी तरीके से नहीं हो सकी, इसलिए जो है अटेंडेंस भी बच्चों की कम है। तो उसके रिगार्डिंग एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आपकी जो अब अटेंडेंस, पहले जो मैक्सिमम जो 80% आपकी रिक्वायरमेंट थी एग्जामिनेशन को देने के लिए, उसको अब घटाकर 65% जो है कर दिया गया है एलिजिबल। तो जितने भी जो छात्र हैं जो ITI में इस बार परीक्षा में देंगे, खासकर 2019 के सेकेंड ईयर के और 2020-21 वाले बच्चे, 1 साल के और 2020-22 के वन ईयर के बच्चे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी खबर है कि उनको जो है वो परसेंटेज सिर्फ 65% ही एलिजिबल आपको चाहिए एग्जामिनेशन में पेयर उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में एक लाइन हो रहा है कि प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग 5% एडिशनल अटेंडेंस रिलीफ टू द ट्रेनी लाई विद द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट डायरेक्टर। अगर किसी बच्चे की 60% है, बैठ रही है आपकी ओवरऑल जो है अटेंडेंस, तो उसको जो 5% और एक्स्ट्रा दे सकते हैं स्टेट डायरेक्टर, ताकि वो बच्चा एलिजिबल हो जाए। तो आपके लिए अब फाइनल जो है 65% अटेंडेंस होने चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि पहले जो रूल था उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी थी एग्जामिनेशन देने के लिए 80% थी, जिसको अब घटाकर डीएसटी ने 65% कर दिया है, और 60% है तो भी ऐसे बच्चों को 5% एडिशनल अटेंडेंस जो है छूट मिल सकती है, तो वो भी एलिजिबल हो सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो 60% तो आपकी होनी ही होनी चाहिए, और ओवरऑल 65% अगर आपकी है तो ही आप जो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो बड़ी अपडेट है, काफी अच्छी खुशी की खबर है, क्योंकि कोरोना काल में क्लासेस बहुत कम लगी, इसलिए अटेंडेंस जो 80% नहीं बन रही थी, इसलिए डीएसटी ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया है ताकि जो भी छात्र हैं कम अटेंडेंस वाले भी जो एलिजिबल हो सके। तो मैं तो इसको एक अच्छा सराहनीय कदम कहूंगा साथियों, बड़ी अपडेट थी। तो अगर सूचना आपके लिए अच्छी लगी और पसंद आई और डिस्ट्री का फैसला, तो साथियों मेरी वीडियो पर भी एक लाइक आपका बनता है, और अगर आप मेरे लिए अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएंगे तो उसका मैं आपके लिए सदैव आभारी रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें मुझे, और चैनल को जो है
ऊंचाई तक ले जाने में जो मेरी सहायता करें आप, जितनी ज्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आप हैं तभी मैं हूं साथियों इस प्लेटफॉर्म पर, और आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और लेटेस्ट जानकारियों के साथ। जय हिंद साथियों।